कि राजकोट के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश झा, जिन्होंने आज ही अपना जो एक तरीके से कार्यभार संभाला है, साइट पर पहुंचे हैं जहां पर अभी तक 32 लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है। और आग जो लगी थी, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अब नए पुलिस कमिश्नर को यहाँ पर ब्रीफ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। टीआरपी गेम जोन पहुंचे हैं और यहाँ पर कैसे आग लगी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, उसका जायजा लेते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उन तीनों को पुलिस कस्टडी 14 दिन की दी गई है। राजकोट के पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश झा इस समय घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये टीआरपी गेम जोन है जहां पर आग लगी और अभी तक 32 लोगों की मौत हो गई है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि राजकोट के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश झा, जिन्होंने आज ही अपना जो एक तरीके से कार्यभार संभाला है, वो कार्यभार संभालते ही सीधा उस साइट पर पहुंचे हैं जहां पर अभी तक 32 लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है। और आग जो लगी थी, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अब नए पुलिस कमिश्नर को यहां पर ब्रीफ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले राजू भार्गव जो कि राजकोट के पुलिस कमिश्नर थे, उनको तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह पर अब ब्रिजेश झा जो कि राजकोट के नए पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कार्यभार संभाला। और कार्यभार संभालते ही वो सीधा टीआरपी गेम जोन पहुंचे हैं और यहां पर कैसे आग लगी, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, उसका जायजा लेते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सुबह कार्यभार संभाला और उसके तुरंत बाद तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं राजकोट के, उनके साथ पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि पूरा जायजा यहां पर लिया जा रहा है और जो उनके साथ ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे हैं वो लगातार उनको ब्रीफ कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो दे रहे हैं। काफी बड़ा ये मामला इस लिहाज से भी क्योंकि अभी तक 32 लोगों की मौत की जानकारी पुलिस द्वारा कोर्ट में बताई गई है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक राजकोट पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उन तीनों को पुलिस कस्टडी 14 दिन की दी गई है। तो वहीं एक जिसकी गिरफ्तारी आज ही की गई है ठक्कर, उसको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी भी इस मामले में कई लोग फरार हैं क्योंकि 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है, अन्य लोग भी हैं, उन सभी लोगों की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में राजकोट के नए पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश झा को देख रहे हैं जो कि तुरंत कार्यभार संभालते ही यहाँ पर पहुंचे हैं, स्पॉट पर पहुंचे हैं और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। राज्य सरकार एकदम क्लियर है और यही कारण था कि 7 अफसरों का तबादला कर दिया गया, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े। कि राजकोट के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश झा, जिन्होंने आज ही अपना जो एक तरीके से कार्यभार संभाला है, साइट पर पहुंचे हैं जहां पर अभी तक 32 लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है। और आग जो लगी थी, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अब नए पुलिस कमिश्नर को यहां पर ब्रीफ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। टीआरपी गेम जोन पहुंचे हैं और यहां पर कैसे आग लगी, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, उसका जायजा लेते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उन तीनों को पुलिस कस्टडी 14 दिन की दी गई है।